मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन, आज किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? मुझे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। एक तो मुझे दो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। पहला कि सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल खेलने वाला और उसमें मेडल लाने वाला, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल में मेडल लाने वाला। और मुझे अभी और दो रिकॉर्ड करने हैं, और मुझे ओलंपिक भी खेलना है और मेडल लाना है, गोल्ड मेडल। चक्कल गुरु पूर्णिमा है, आपके पिताजी आपके गुरु हैं, किस तरीके से पिता और पुत्र में संबंध होता है? गुरु ज़्यादा मानते हैं या पिता ज़्यादा मानते हैं? पिता। मुझे वो दिन रात हमेशा लगे रहते हैं, अपना पूरा टाइम वेस्ट करके सारी चीज़ें छोड़ के दिन रात बस मेरे ही पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकला सिंह। शशिकला जी, जब रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ तो कितनी खुशी हुई, और इनका किस तरीके से मेहनत किया करते थे? अर्जुन बहुत मेहनत करता है बचपन से ही, ये इसको इसमें रुचि है आर्चरी करने में, और उसकी वजह से ये मेहनत बहुत करता है और मेहनत का ही फल मिला है उसे। तो कितना मतलब किस तरीके से मेहनत किया करते थे? ये सुबह उठता है एकदम 3:30-4 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज करना, आर्चरी करना करके फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद भी थोड़ा रेस्ट करके फिर अपना लग जाता है आर्चरी करने में। तो इनको किस तरीके का मेडल मिला है? इनको यंगेस्ट आर्चर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिला है। इंटरनेशनल में ये मेडल भी लेके आए हैं बहुत कम उम्र में, और नेशनल में भी सबसे छोटा आर्चर है जो बहुत कम उम्र में आर्चरी किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है, अर्जुन मेरा पुत्र है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की थी कि अर्जुन के दो रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। एक तो सबसे छोटा तीरंदाज है जिसने 3 साल 8 महीने 14 दिन की उम्र में नेशनल खेल लिया था, और दूसरा रिकॉर्ड बना है कि 5 साल 10 महीने की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाला किसी भी गेम में अपने देश का ये पहला बालक है। तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को पता चला, उन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने यहाँ इनलिस्ट किया और इनके लिए मेडल वगैरह भेजे हैं। गिनीज वगैरह के लिए जी, इनके दो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने हैं। 2-3 महीने से, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक काफ़ी तैयारी हमने उसकी की थी, और 29th of March को इनका प्रोग्राम था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जजेस नहीं आ पाए। तो एक इनका रिकॉर्ड है सबसे तेज़ एरो चलाने का, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में कम समय में सबसे ज़्यादा एरो शूट कर सकते हैं एक फिक्स दूरी से। जो रिकॉर्ड बना हुआ है ऑलरेडी उसको ये ब्रेक करेंगे। अभी जो रिकॉर्ड बना है एक 44-year-old आर्चर ने बनाया है, और दूसरा रिकॉर्ड है ये रोलर स्केटिंग, स्केटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन था, ये स्केटिंग करते हुए आर्चरी करनी है, और उसमें जो हाईएस्ट स्कोर बना है अभी तक का उसको ये ब्रेक करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ये कर पा रहे थे, लेकिन ऑफिशियली एविडेंस देने से पहले लॉकडाउन हो गया, हो नहीं पाया है, लेकिन अब जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी हम लोग फिर कोशिश करेंगे। अपने बेटे का गुरु भी है, तो ऐसे में कितना आसान होता है या मुश्किल होता है बेटे को सिखाना? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा समय हम अपने बेटे को देते हैं। जब ये घर पे नहीं होते हैं हम उसी समय अपने आप को फ्री महसूस करते हैं जब ये स्कूल गए होते हैं। बाकी सुबह से लेकर के हम 4 बजे इनको सुबह उठा देते हैं, फिर ये 4 बजे से 7 बजे तक रनिंग करना, आर्चरी की प्रैक्टिस करना, 7:30 बजे स्कूल चले जाते थे, इधर तो मान लीजिए छुट्टी चल रही है, लेकिन ये इनका रूटीन था। फिर जैसे ही स्कूल से आएंगे खाना खुना खा करके फिर हम लोग लग जाते थे आर्चरी करने के लिए, जब तक ये सो नहीं जाते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे हैं, और कोई भी चीज़ ये बहुत जल्दी सीखते हैं। अभी मुश्किल से 1 महीना पहले इनको मैंने चेस खेलना सिखाया था, मैं अपने आप में चेस बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अब ये स्थिति है कि ये बहुत टाइम हमको हरा देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ये अच्छा नाम करेंगे। क्या करते हैं और किस तरीके से समय निकाल पाते हैं? मैं देखिए पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, लेकिन अर्जुन ने इतना अच्छा किया कि मुझे बस 4 या 5 घंटा मैं अपने हॉस्पिटल में समय दे पाता हूँ। और अभी ऐसी स्थिति है कि मैं पीछे हटना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अपने हॉस्पिटल पे समय कम करके इनके साथ समय ज़्यादा दे रहा हूँ।